Welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsor TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata, hame pata hai. जी, द पी एस एल सीज़न 8 इज़ ऑन गोइंग करंटली. हमने अभी तक जितने भी मैचेस देखे हैं काफ़ी एक्साइटिंग रहे, कुछ थोड़े वन साइडेड भी रहे, लेकिन अभी मुल्तान और कराची में मैचेस खेले जा रहे थे और अब जो है पी एस एल की पहली जो लेग है वो कंप्लीट हो गई है. कल से मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे एंड ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स विल बी इन एक्शन इन फ्रंट ऑफ देयर होम क्राउड. और अभी तक हमने टीम्स जो हैं सारी देखी हैं, उनके सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमारे सामने आई हैं. कुछ टीम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग अभी लग रही हैं, टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल. कुछ जो हैं वो अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं अपने कॉम्बिनेशंस के साथ, थोड़े प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं. तो बहुत कुछ हो रहा है पीएसएल में इस बार. इट्स एज एक्साइटिंग एज एवर. और अभी मज़ीद हम बात करेंगे अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं और जो प्लेयर्स हमारे सामने आए हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में कोई मैच स्पेसिफिक नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी देर इज़ स्टिल लॉट्स मोर दैट वी हैव फॉर यू टुडे ऑन द शो. मेरे साथ हैं स्टूडियो में फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, द रन मशीन, मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम सर. और जी ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं द स्पीडस्टर, द अनरीडेबल मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. जी वालेकुम सलाम. जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. आज का शो जो है वो हम कोई मैं सोच रही थी कि हम बात करें अभी तक जीती परफॉर्मेंसेस पीएसएल के सीज़न में हमारे सामने आई हैं. बैट्समैन भी, यू नो, वी हैव सीन रन्स एंड रन्स बीइंग स्कोर्ड, स्पेशली मुल्तान में, मुल्तान सुल्तान्स ने जो काफ़ी डोमिनेट किया हुआ है. और बॉलिंग के ऊपर पहले हम ज़रा बात करते हैं बॉलर्स पे, क्योंकि आई थिंक आसिफ आप काफ़ी कीनली फॉलो कर रहे हैं पीएसएल और आप सारे बॉलर्स को बहुत एनालाइज कर रहे होंगे, हर किसी की परफॉर्मेंस. अभी तक अगर हम देखें जो टॉप के नाम हमारे सामने आए हैं बॉलिंग में, एहसानुल्लाह इज़ वन ऑफ देम. फिर ऑफकोर्स अब्बास आफरीदी ने भी काफ़ी अच्छे स्पेल्स कराए हैं, उसामा मीर है, मोहम्मद हसनैन है. आप अपने मुझे टॉप बताएं बॉलर्स आपकी नज़र में जो इस बार सबसे डिस्ट्रक्टिव अभी तक जा रहे हैं. रोहा, आप अभी दो फास्ट बॉलर को भूल गई हैं. मेरा ख्याल लाहौर कलंदर के जो तो मेन फास्ट बॉलर हैं, पेंशा अफरीदी और हारिस रऊफ, वो भी नो डाउट फॉर सम टाइम वो एक्सपेंसिव होते हैं, सम टाइम बड़ी अच्छी बॉलिंग करते. और जो दूसरा फेज आ रहा है लाहौर में वो एक एक्साइटिंग मूवमेंट है लाहौर के लिए, लाहौर कलंदर के लिए. वो अपनी होम ग्राउंड पे खेलेंगे और लाहौर कलंदर ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि जिस तरह से उन्होंने एकेडमी रन कर रहे हैं, जिस तरह से वो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में जाके टैलेंट हंट की स्कीम उन्होंने स्टार्ट की हुई है, तो विच इज़ अ गुड थिंग के वो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए, पीसीबी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पिछले 4-5 सीजन से. तो वो उन्होंने नए प्लेयर भी दिए हैं और पीएसएल को भी प्लेयर दे रहे हैं वो, तो विच इज अ गुड थिंग कि वो कंट्रीब्यूट, बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. ये दो नाम तो बिल्कुल हमारे जहन में आते हैं. फिर उनकी तरफ से इस बार जमान खान, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा रहा वो लाहौर कलंदर्स की, ये बात तो उनको वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द फ्रेंचाइज फॉर दिस. किस चीज़ की? बॉलर्स जिस तरह वो पीडीपी के थ्रू अपने प्लेयर्स को करते हैं, स्पेशली बॉलर्स में हमारे सामने काफ़ी नाम लाए हैं. अरे इसमें कोई शक नहीं, वो काफ़ी टैलेंट हंट भी करते हैं, कैंप भी लगाते हैं, उनकी अब अकेडमी भी शुरू हो गई है. लेकिन एक प्रॉपर वे है पाकिस्तान टीम में आने का, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का है. उससे सारी दुनिया में प्लेयर निकलते हैं, पाकिस्तान में बड़े बड़े प्लेयर निकले हैं, जो आसिफ है, मैं भी हूँ, हम सब फर्स्ट क्लास से आए हैं. क्योंकि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है कि जो स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है, जब उससे कोई प्लेयर निकल के आता है वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है और नज़र आता है. नो डाउट कि हारिस रऊफ ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वाइट बॉल में, अनकटेबल है. लास्ट कपल ऑफ ईयर्स उसने जैसे परफॉर्मेंस दी है, बॉलर्स फिर भी निकल आते हैं, क्योंकि बॉलर्स पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है. आप ईंट फूटो तो बॉलर निकल आता है. मेरा ख्याल है कि वसीम भाई को भी ऐसे किसी ने देखा था, उन्होंने कहा जी इनको 3 डे डायरेक्ट खिला दिया, उन्होंने 7 विकेटें ले ली. वकार यूनस को
देखा लोगों ने कि बड़ा तेज़ बॉलर है। अभी एहसान उल्ला जो खेल रहा है, ये जब एक दो साल पहले एकेडमी में आया था, जितनी इसकी पेस थी उसी पर विकी भाई ने कह दिया था ये खेलेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो फास्ट बॉलर आना कोई बड़ी बात नहीं है, स्पिनर और बैट्समैन ये एक सिस्टम चैलेंज है हमारे पास कि ये कहाँ से आएंगे, ये कौन लाएगा, और ये फर्स्ट क्लास से आएगा या ऐसे टैलेंट हंट से। मेरा नहीं ख्याल कोई आ जाए वो अलग बात है, टैलेंट बहुत ज़्यादा किसी में, शादाब खेल के आ रहा है कि सिस्टम से आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल डायरेक्ट कहीं से बाहर से हुआ है, मेरा ख्याल है कि सिस्टम से है, क्योंकि मैंने देखा उसको पीएसएल में ही है, क्योंकि नीचे वाली क्रिकेट टीवी में आती नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है वो अंडर 19 अंडर 16 खेलता हुआ कहीं से आ रहा है, तो उसमें टैलेंट था तो 16 और 19 खेला है, डायरेक्ट उसमें नहीं आया। आपको इमर्जिंग प्लेयर जैसे अभी लिए हुए ऐसे लिया होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे बैट्समैन और स्पिनर निकालने हैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक बेहतरीन जगह है। और वहीं से मेरी राय है, आगे हर इंसान की अपनी मर्जी है, कि दुनिया में प्लेयर जो निकलते हैं वो फर्स्ट क्लास से निकलते हैं और वो आके परफॉर्म भी करते हैं और लंबा खेलते भी हैं। बिल्कुल, ये अभी हम स्पिनर्स के ऊपर भी जी रोहा आपकी मैं बात काट रहा हूँ। तो यूसुफ भाई द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे सरप्राइज दिया था कि मैं टीम में हूँ। अच्छा। यूसुफ भाई ने मुझे बताया वो एक या दो दिन पहले इन्होंने मुझे बता दिया कि तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। ये जरा हमें बताएं इस किस्से के बारे में थोड़ा। ये किस्सा क्या है कि वो क्योंकि फर्स्ट क्लास में जैसा कि यूसुफ भाई डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, सिस्टम नहीं चेंज होना चाहिए, बंदे चेंज होते रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पीसीबी में बंदा चेंज होता है वो सिस्टम चेंज कर देता है। तो सिस्टम वही चलना चाहिए जहां से प्लेयर लॉन्ग टर्म रन करते हैं, लॉन्ग टर्म विकेट लेते हैं, लॉन्ग टर्म फिर वो अपने कैरियर को बढ़ाते हैं। तो सिस्टम चेंज नहीं होते, बंदे चेंज होते रहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में आप उसकी बड़ी मिसालें हैं कि सिस्टम वही चलता है। और आप उसी टॉपिक पे आता हूँ कि मैंने फर्स्ट क्लास सीजन में विकेट ली थी, मुझे कैंप में बुलाया गया, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली वो हैपन हो गया, बॉब वुल्फर इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो कोच थे हमारे, वन ऑफ द बेस्ट कोच थे वो, मेरा ख्याल है दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट कोचेज में उनका नाम ज़्यादा जाता है। तो यूसुफ भाई ने हम लोग कैंप में आए, जिस तरह के कैंप में मैंने बॉलिंग की, तो हमारा टूर जाना था, उस वक्त मैं यंगस्टर था, नया नया आया हुआ था, तो यूसुफ भाई ने मुझे याद आया कि एकेडमी में ये आ रहे थे वॉक करके, तो मैं इंटर हो रहा था एकेडमी, तो यूसुफ भाई ने बोला था कि आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। कैसा लगा था आपको ये सुन के? ये मेरी कप्तानी में इसका डेब्यू हुआ है, जबरदस्त सिडनी में। हालांकि यूसुफ भाई, हाँ बिल्कुल यूसुफ भाई, हालांकि उस वक्त टूर पे जाने से पहले आप कैप्टन नहीं थे उस मैच में, वो अनफिट हो गए ना, तो खेले तो मेरी कप्तानी में ना, अलग बंदे जी बिल्कुल, बिल्कुल कप्तान इंजी भाई थे, लेकिन वो पर्थ के टेस्ट के मैच के बाद इंजर्ड हो गए। और एक और मोमेंट है कि मैं पहला मैच था, सरप्राइजली मेरे से कोई विकेट नहीं ली गई, तो गिलक्रिस्ट मेरे सामने खेल रहा था, तो मैंने उसको पहला बॉल किया, उसने मिड ऑफ किया, मिड ऑन के ऊपर से मुझे छक्का मार दिया। यूसुफ भाई ने बोला आप इसको ना यहाँ पे बॉल करो, तो मैंने उसको वहां पे बॉल की, उसने फिर छक्का मार दिया। मैंने कहा यूसुफ भाई अब क्या करूं, यूसुफ भाई ने कहा हूं जो करना तू आप ही करना, मैनू ना पूछ। मसला ये कि गिलक्रिस्ट प्रॉपर प्लेयर था और बहुत डेंजरस था, वो जितनी तेजी से वेट शिफ्ट करता था, आगे भी पीछे भी, कट पुल हर शॉट उसको खेलनी आती थी उसके सामने, और उस टाइम बॉलिंग करना जब मेरा ख्याल 300-350 लगा हुआ और 7वें नंबर पे गिलक्रिस्ट आ रहा हो, बड़ा टफ हो जाता है किसी भी टीम के लिए, किसी भी बॉलर के लिए, अनलेस के आपका बहुत अच्छी रिवर्स स्विंग हो रही हो या ऐसा बॉल चल रहा हो तो फिर बच सकते हैं उससे, वरना डेब्यूटेंट था आसिफ। और आपको क्या आसिफ की बात सबसे स्ट्राइकिंग लगी थी उस टाइम पे? अच्छा, आसिफ जो कि देखें फर्स्ट क्लास खेलता हुआ आ रहा था, इसका जो रिस्ट पोजीशन थी, जिस तरह इसका सीम बॉल होता था, मैं अगर आज भी किसी से भी दुनिया में पूछें तो वो ऑब्वियसली इसका सीम में नाम लेते हैं कि जादूगर था एक, और दिखाया भी हुआ है जिस तरह की इसने बॉलिंग की हुई है वो ढकी छुपी है नहीं। कराची टेस्ट में जो बॉलिंग की है, मेरा कमेंटेटर उनके पास वर्ड ही नहीं थे कि क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, ये नहीं कि सामने है तो इसलिए, अब मैं ना भी करूं तो टीवी में नजर आ रहा था किस तरह की बॉलिंग कर रहा है। और अभी भी दुनिया के इतने ऐसे बैट्समैन हैं जिनसे आप पूछे ना कि वो आसिफ का नाम ले बॉलर है जो आपको लगता था डेंजरस सबसे ज्यादा, तो आसिफ का नाम लिया जाता है। ऑब्वियसली इसने जैसे बॉलिंग की हुई है, हालांकि पेस इतनी नहीं, 80
लेकिन बड़ी ज़बरदस्त जगह थी जहाँ बॉल करता था और जिस तरह, और इसको करना आता था। एक ये होता है कि हो गया है, एक इसको दोनों तरफ करना आता था। और मेरे साथ फिर एक और टेस्ट सीरीज़ में गया था ऑस्ट्रेलिया 2009-10 में, उस वक्त मैं तो फुल कैप्टन था, तो उसमें सिडनी टेस्ट जो था उस वक्त इसने गेंद पकड़ा, इसने कहा अब मैं वो आवाज़ नहीं निकाल सकता जिस तरह इसने उस आवाज़ दी थी तो, ये तो निकाल दे नहीं तो इसने कहा मैं अब बॉल अपनी मर्जी से आपको दूंगा। मैंने कहा आप लंच तक बॉलिंग करो भाई, मुझे क्या। अच्छा आप बॉलिंग करो, आप बॉलर हो। अच्छा। जब आप थक जाए आप बॉल वापस दे। और इसने काफ़ी लंबा स्पेल किया, और किसी भी टीम के लिए इसका सामना करना मुश्किल काम था। आसिफ, आपने इतने अरसा क्रिकेट खेली और ज़बरदस्त आपके बॉलिंग स्पेल्स, अभी भी हम जब देखते हैं ऑनलाइन या याद करते हैं बहुत सारे स्पेल्स आई एम श्योर आपके माइंड में होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में, आई एम श्योर ये आपसे बहुत लोगों ने ये सवाल किया होगा, लेकिन एक बार फिर हम सुनना चाहेंगे आपकी ज़ुबानी कि आपका फेवरेट स्पेल कौन सा रहा है आपकी नज़र में। काफ़ी स्पेल है, उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि जैसा कि यूसुफ भाई की बात मैं कंटिन्यूसली करता हूँ कि सिडनी टेस्ट में हम लोग फिर दोबारा गए, क्योंकि पहले पहली सीरीज में मैंने काफ़ी बार खेली थी, एक मैच के बाद मेरा कमबैक नहीं, फिर मैं टीम से आउट हो गया था, तो मुझे वर्ड्स याद हैं बॉब वुलमर को, मैंने उस वक्त वही कोच थे जब मैंने मार खाई थी, और मैंने बोला था ये मेरी जगह है, मैं दोबारा इस जगह पे कमबैक करूंगा, और स्ट्रांगली फिर मैंने करके भी दिखाया। ये होता है बिलीव योरसेल्फ एज ए यंगस्टर के लिए, कि अपने ऊपर आप बिलीव रखो कि और इतने हार्ड वर्क जरूर करो, क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं नेचुरल बॉलर था, नेचुरल चीज़ें होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी करता है तो आप उस मुकाम पे पहुंचते हो, मगर उसके पीछे हार्ड वर्क भी जरूर होता है। अच्छा आसिफ, आपने तो ये जो अभी आपने सेल्फ कहा है ना, जिस स्टाइल से लग रहा अमेरिका में बैठे लोगों को पता चल गया जिस स्टाइल से आपने अभी ये सब भाई पकड़ लेते हैं ये बातें वैसे ये सब अच्छा स्टाइल है। मैंने मेरे कैप्टन ने, मेरे कप्तान है, मेरे बड़े पायलवी ने तो वो थोड़ा सा मुझे जज कर लेते हैं मेरे साथ अच्छा हमने खेला हुआ करके। यूसुफ भाई और तुसी उस मैच में मेरे से हुआ क्या था कि मैंने नया बॉल करना था और मेरे से एंड चूज गलत हो गया था, अगर आपको याद हो तो। पहले मैं उस एंड से बॉलिंग कर रहा था सिडनी टेस्ट में, पहले वाले या दूसरे में, सिडनी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, नहीं डेब्यू वाले में या बाद वाली सीरीज में? नहीं, बाद में जो 2008-9 में जो था, मेरे से एंड चूज गलत हो गया था, मैंने ही नया बॉल किया था, मगर होता क्या समटाइम आप एंड चूज गलत कर लेते हो, समटाइम आप बॉल गलत चूज कर लेते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपने परफेक्शन में लेके आना। मुझे याद है कि समी उस एंड से लगा हुआ था, उसने ऊपर से 3 आउट कर लिए थे, तो मैंने आपसे बोला था कि यूसुफ भी मेरा एंड चेंज करवाए थे, आपने बोला यार वो समी लगा हुआ है तो जब वो हटेगा तो फिर मैं आपको उधर से लेके आता हूँ। हालांकि मैंने एक ओवर के बाद उस एंड पे आ गया था, क्योंकि समी ने अपना स्पेल कर लिया था 5-6 ओवर का, तो मैंने कंटिन्यूसली रख रहा, और उस मैच में जो विकेट दिलाने में यूसुफ भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है, क्योंकि इन्होंने मुझे हटाया नहीं था और मैंने विकेट भी ली, अपने अपने कैरियर के बेस्ट फिगर उस मैच में मैंने दिखाए, उसमें कप्तानी का बड़ा अमल दखल होता है। आई एम श्योर होगा, ये क्रेडिट मैं यूसुफ भाई को दूंगा, बिल्कुल उनको ही जाता है एज कैप्टन। वैसे ये जो अभी इसने बात की ना, जी जी, ये हम चाह रहे हैं कि ये कल्चर खत्म हो जाए, बिल्कुल हम अभी इस पे आते हैं, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है। ये तो इसने तो जो बात की है, लेकिन अब आप चलें बात, वक्त के बाद हम आपसे ये थॉट आपकी सुनेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी थी, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई आप कुछ ऐड कर रहे थे कल्चर के बारे में, कप्तानी के बारे में। थोड़ा सा ना, जब पिछले 2-3 साल से हम क्रिकेट अकेडमी में थे, मैं क्लैन भाई और एक और हमारे साथ ही उमर रशीद साहब, बैठ के हम मशवरे करते होते थे कि किस तरह प्लेयर्स को या नीचे लेवल ऊपर कैसे लेके जाना, तो एक चीज़ ये भी आती थी कि ये हमारे टाइम पे था, हमने भी ये किया हुआ है, कप्तान की वजह से ये हो गया, कोच की वजह से ये हो गया। हालांकि गेम के बारे में बताना चाहिए कि गेम क्या हुई थी, मैंने बॉलिंग कैसे की, मैंने बैटिंग कैसे की, क्या मुझे चीज़ मुश्किल लगी, क्या मैंने अंदर एकदम अपने आप को एडजस्ट किया, इस तरह की क्रिकेट की बातें होनी चाहिए। ये अजीब सा लगता है कि मैं, उन्होंने बहुत अच्छा, जैसे आसफ ने कहा रिस्पेक्ट अपनी जगह है,
हर बड़े छोटे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन आसिफ ने कहा कि मेरी वजह नहीं, मेरी वजह नहीं, आपकी अपनी बॉलिंग है। आप मुझे बताते थे कि ये फील्ड चाहिए, मैं वो ले लेता था। आप मुझे कहते थे मैं यहाँ से बॉलिंग करनी है, मैं क्योंकि मेरा प्राइम बॉलर है, चार बॉलर खेल रहे हैं, वो जहाँ से कहेंगे मेरी कोशिश है कि इनको मैं अकोमोडेट अच्छा करूँ, इनको मैं सपोर्ट करूँ, जो ये चाहते हैं वो ये करें। और उसमें अगर ये बाद में मेरा नाम लेंगे तो ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये रिस्पेक्ट है ऑन वो अपनी जगह, मैं पहले कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर ये चीज़ खत्म, क्योंकि आप दुनिया में दूसरे जितने बाहर के देखेंगे ना फॉरेनर, वो गेम के बारे में बात करते हैं, क्या उन्होंने किया, क्या गलती हो गई या क्या अच्छा किया, इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ भी ये कल्चर आए, रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल कल्चर है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात की है। हाँ ये हो जाता है, तो बेचारे मैंने किया हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं कि मैंने नहीं, सारी जिंदगी सीनियर जूनियर में हमें ये बेहतर करना होगा, इस चीज को ठीक करना होगा। नहीं बिल्कुल आपने सही बात की है, ये हमारे यहाँ पे कल्चर, क्योंकि उसने परफॉर्म किया, आसिफ ने परफॉर्म किया, इसमें अगर परफॉर्म नहीं करेगा यूसुफ भाई, अगर ये गलत परफॉर्म कर दे तो वो मेरे पे थोड़ी आना से बहुत ये बात है जो आप करना चाह रहे हैं बेसिकली। नहीं नहीं ये बात नहीं है, होना यही चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात है, कप्तान का भी एक इम्पैक्ट होता है, लेकिन ज्यादातर जो परफॉर्मेंस होती है वो प्लेयर की अपनी, बिल्कुल अपना स्किल होता है, अपना टैलेंट होता है। आप अंदर में ड्रेसिंग रूम में जिस तरह मर्जी कोई बात कर सकते हैं, जैसे मैं इंजी भाई की कप्तानी में भी खेल रहा हूँ, वसीम भाई के भी, वकार भाई के भी, मोइन भाई के भी, सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छी बातें बताते हैं, सब कहते हैं। अच्छा, आपके फेवरेट कप्तान कौन से रहे जिनके? मैं चारों के साथ, आपको एक का नाम लेना, एक का नाम नहीं ले सकते, मुश्किल है, चारों बहुत अच्छे थे। कोई ऐसा कैप्टन जिसके, देखिए इंडिविजुअल प्लेयर भी बहुत अच्छे थे सारे, और मैं जो मेरा डेब्यू था, जो मेरे पहले कप्तान थे वो राशिद लतीफ थे जी, और उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत दिया। तो सारे कप्तान बहुत जबरदस्त हैं, और सब चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, क्योंकि वो जो जीतेंगे तो उनका भी नाम बनेगा, टीम का भी नाम बनेगा। बट आपकी नजर में आपने सबसे ज्यादा इम्प्रूव किसकी कैप्टेंसी में किया और क्यों? नहीं ये देखिए इम्प्रूव का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस होती है कि आप किसी भी कप्तान के अंडर, और मैंने, मेरा ख्याल है सब कप्तानों के अंडर मैंने स्कोर किया है। नहीं वो तो हम सबके सामने आपके माशाल्लाह इतने जबरदस्त रिकॉर्ड्स हैं। आसिफ मैं यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपने सबसे ज्यादा किस कैप्टन के अंडर जो है वो एंजॉय किया, आपके फेवरेट कैप्टन कौन से रहे? जी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं तीन चार कैप्टन के साथ खेला हूँ, इंजी भाई के साथ, लाला के साथ, यूनुस भाई के साथ, और फिर शोएब मलिक के साथ। सबसे बेस्ट क्या बात होती है कि आप इतना परफॉर्म करके, आप इतना चीज़ें डेवलप करके आते हो, तो इंजी भाई द बेस्ट कैप्टन, क्योंकि वो स्लिप में खड़े रहते थे वो आपको बॉल दे देते थे, आपने बॉल अपना करना, अपनी मर्जी से करना। जो सबसे एज ए पर्सनली, मैं किसी को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा, मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि लाला मिड ऑफ पे खड़ा हो जाता था, तो एज ए बॉलर अगर मैंने यॉर्कर मारना तो लाला ने सडनली कह देना तू इसको बाउंसर मार दे, तो वो देखिए आपका अटेंशन डाइवर्शन होना शुरू होगी कि डाइवर्ट होगी कि बॉलर ने बाउंसर यॉर्कर मारना और लाला कह रहा बाउंसर मार दे, तो अच्छा। वो चीजें बड़ी बॉलर को हिट करती हैं, उसकी अटेंशन डाइवर्ट करती हैं। जैसे यूनुस भाई भी थे, वो भी मिड ऑफ पे नहीं तुमने ये करना, तुमने ये करना। तो एज ए कैप्टन मैं इंजी भाई को हाईली रेट करूंगा कि इंजी भाई आराम से स्लिप में खड़े हो जाते थे और बॉल आपको दे देते थे कि जो तूने करना है तू कर, और हमेशा बॉलर अपनी मर्जी, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेल के आ चुका होता है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी अपनी ये जगह है, मैंने बॉल कैसे करना है, मैंने इस बैट्समैन को हैंडल कैसे करना। तो जो कैप्टन एज ए मिड ऑफ पे हाँ समटाइम आपको समझाने आना चाहिए, वो समटाइम बॉलर भी रॉन्ग हो सकता है, मगर आप सडनली ये नहीं कह सकते हर बॉल पे आपको कि नहीं तूने ऐसे करना। बॉलर की एक अपनी मर्जी होती है और कैप्टन की एक अपनी मर्जी होती है, तो जो बॉलर के हाथ में बॉल है उसको 100% देने के लिए कोशिश करनी है, उसको बैकअप एज ए कैप्टन करना चाहिए, जो कि दो तीन चीजें मुझे बहुत बुरी लगी एज ए बॉलर। आपकी भी यही कोशिश थी कि आप अच्छी बॉलिंग करें, विकेट्स लें, और हर किसी की अपनी प्लानिंग होती है, कैप्टन की भी, बॉलर की भी। यूसुफ भाई हम अभी कैप्टेंसी पे बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में एक आइडियल कैप्टन को इस फॉर्मेट, अगर हम T20, बिकॉज अभी PSL चल रहा है तो हम उसी की बात करते हैं, कि T20 फॉर्मेट में आइडियल कैप्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए जब आपके पास 20 ओवर हैं और आपके पास जो है बहुत कम मार्जिन है गलतियों का?
किस तरह की कैप्टेंसी आजकल आइडियल है? ये तो बड़ा मुश्किल होएगा कि किस तरह का कप्तान होना चाहिए, तो बहुत टफ है क्योंकि हर तरह के कैप्टन हमारे पास्ट में हमने जो देखे हैं ना, जिन्होंने कप्तानी की बड़े अच्छे तरीके से कूल होकर और जो डिसीजन भी लेते थे बड़े ज़बरदस्त, उसमें धोनी नंबर वन था। नो डाउट, धोनी का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी सिचुएशन आ जाती, ये नहीं कि प्रेशर में नहीं होता, होता था, लेकिन उसने कंट्रोल किया होता था अपने पर कि टीम पर प्रेशर ना जाए, ये बहुत अच्छी थी चीज़। और वो कभी भी प्लेयर्स पे शाउट नहीं करता था, कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा, काम रहता था और नज़र आ रहा होता था कि वो प्रेशर में है और कुछ चीज़ें सोच रहा है। और हर फॉर्मेट में, हर फॉर्मेट में, ये नहीं कि सिर्फ T20 में। और T20 में पहला वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला वर्ल्ड कप जीते, फिर 50 ओवर जीते, वाहिद कप्तान है जो तीनों वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जबरदस्त। और मेरा ख्याल चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता हुआ है, तो वो उसको जाता है क्रेडिट कि वो जिस तरह लेके चलता है। मुझे उसकी कप्तानी बहुत अच्छी लगी पाकिस्तान से बाहर। अगर अगर आइडियल किसी को करना है, होना ऐसे ही चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लेयर जानबूझ के गलती नहीं करना चाहता, वो भी चाहता है कि वो परफॉर्म करे, अच्छा खेले, लोग उसको प्रेस करें, स्टार बने वो। अगर किसी से गलती हो जाती है तो आप ड्रेसिंग रूम में जाके या वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसिफ, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? धोनी जो है वो, उनकी बात अभी हम कर रहे थे, बड़े काम कंपोज्ड और हर फॉर्मेट में ही उन्होंने जो है वो टाइटल जीता हुआ है अपनी टीम के लिए, तो नो डाउट वो तो इस वक्त सबके माइंड में आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। जी बिल्कुल, नो डाउट उसका रैकेट बोलता है, उसकी चीज़ें बोलती हैं। और अभी हम PSL की बात कर रहे थे कि PSL में कौन काम एंड कूल रहता है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि रिजवान इस कूल एंड काम माइंडेड से चल रहा है, उसके हाईएस्ट नंबर्स भी हैं और उनके बॉलिंग में भी नंबर्स काफ़ी अच्छे फिगर्स चल रहे हैं। इसका क्रेडिट जाता है पूरी टीम मैनेजमेंट को और पूरा जो सेटअप अच्छा चल रहा है ओवरऑल। आप थ्रू आउट दो तीन सीजन से देखें तो मुल्तान सुल्तान एक अच्छा सेटअप लेके चल रही है। और दूसरा, अभी शिफ्टेड हो गया लाहौर में, तो बड़ी लाहौर को थोड़ा सा एज जरूर होगा, होम ग्राउंड पे खेलेगी। और आपको पता है लाहौर का जो क्राउड है वो हमेशा लाहौर कलंदर को ही सपोर्ट करता रहा है और करता रहेगा, तो ये बड़ा एक्साइटिंग अगला जो मरला होगा वो बड़ा एक्साइटेड होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर जिस तरह से परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और उनमें शहनशाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, उनके नंबर्स, और उस पर बड़ा एज मिला है कि आप लेग स्पिनर जो ऐड हुआ है राशिद खान, वो बड़ा लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत हो गई है और आगे हमें बड़े अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, कजाफी स्टेडियम में जो फैंस हैं, शायकीन हैं, वो भी आएंगे हाउसफुल कर। और अभी लाहौर के मैचेस भी होने हैं, अभी पिंडी के मैचेस भी होने हैं, और रावलपिंडी के भी जो फैंस हैं वो किसी से कम नहीं है। जी अभी तक पहली लेग हुई है PSL की और अब मैचेस कल से लाहौर आ रहे हैं, लाहौर के जो फैंस हैं वो भी स्टेडियम्स भरेंगे, सारे शायकीन आएंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने, और उसके बाद ऑफकोर्स रावलपिंडी में भी मैचेस होंगे। सो अ लॉट ऑफ क्रिकेट येट टू कम इन दिस सीजन ऑफ PSL। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बैटिंग के ऊपर बात करेंगे। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com। हर पता हमें पता है। हम आज के एपिसोड में बात कर रहे हैं अभी तक जितने मैचेस PSL के हुए हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़े स्टैंड आउट कर रहे हैं। बॉलिंग में हमने बात की थी अभी ब्रेक से पहले, आसिफ ने भी बड़े मज़े की बातें बताई। अब अगर हम बैटिंग के ऊपर आएँ थोड़ी, तो जो प्लेयर्स इस वक्त टॉप के जा रहे हैं, जी मोहम्मद रिजवान, रायली रूसो, शुएब मलिक, गप्टिल सेंचुरी उन्होंने की थी, तो ये कुछ नाम हैं जो अभी तक हाई स्कोरिंग जा रहे हैं, एज यू नो कीपिंग इन माइंड कि उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को। सो इट्स नॉट जस्ट देम स्कोरिंग रन्स, बट इट्स देम डूइंग सो एट अ गुड पेस एंड प्रोवाइडिंग दैट इम्पैक्ट दैट यू नीड इन योर बैटिंग इन T20s। यूसुफ भाई, अभी तक की बैटिंग के अगर आप देखें 200 भी हुए हैं स्कोर्स टीम से, 200 के करीब करीब भी आए हैं, तो ओवरऑल जो है वो बहुत लो स्कोरिंग नहीं गया PSL सो फार। अच्छा, जैसे आपने कहा रिजवान बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और टॉप पे जा रहा है, रिलो रॉसो वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है, शुएब मलिक के भी काफ़ी रन्स हैं और इसी तरह मार्टिन गुप्टिल का भी उतने ही रन्स हैं, दोनों का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, मलिक की एवरेज भी बहुत अच्छी है, तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो टॉप पर हैं। इमाद वसीम को मिस नहीं कर सकते क्योंकि नीचे खेलते हैं और ऑलराउंडर हैं, उसके बावजूद उसकी एवरेज 60 की और 171 का स्ट्राइक रेट है,
तो बहुत टॉप की परफॉर्मेंस इसकी भी है। कॉडमर ने सिर्फ एक ही इनिंग अच्छी खेली है, बाकी दो तीन मैचेस में वो स्ट्रगल कर रहा है। देखें आगे कैसे खेलते हैं, बाकी किसी का 100 है, किसी का कुछ है, वही है, ये वही नाम है ना यूसुफ भाई, जो थोड़े से हमें ऑलरेडी पता थे कि इनकी तरफ से स्कोर होगा। लेकिन जिस तरह बॉलिंग में हमारे पास एहसानुल्लाह आए हैं, अब्बास अफरीदी, इस तरह के नाम सामने आए हैं, बैटिंग में आपको क्यों लगता है कि अभी तक, क्योंकि ताहिर बेग की हमने एक इनिंग अच्छी देखी है, साइम अयूब की काफी बात हुई, बट ओवरऑल वी हैव नॉट येट फाउंड एन इमर्जिंग प्लेयर जो बैटिंग में उस तरह से स्कोर करता हो। देखिए अगर इमर्जिंग प्लेयर में देखना है जो आगे चल के पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, वो मुझे साइम अयूब लग रहा है। और एक लड़का और है, उसको मौका नहीं मिला अभी तक, या तो उसकी बैड लक है क्योंकि वो उसी टीम में है जिसमें साइम अयूब भी खेल रहा है और हारिस भी खेल रहा है, बाबर आजम ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर है तो वो तो बाहर हो ही नहीं सकता, और हारिस भी जिस तरह खेल रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि सारे मैच बेंच पे ही ना गुजार दे, वो उसके साथ भी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन किसकी बात करें, ये हसीबुल्ला है, हसीबुल्ला। ये भी इमर्जिंग प्लेयर है, तेज खेलता है जी। इतना ज्यादा देखा नहीं लेकिन ज्यादातर परफॉर्मेंसेस उसकी अगर देखें तो वनडे कप में वो सेकंड रन स्कोर किया हुआ था उसने, क्योंकि वो आ गया था हमारे साथ टेस्ट टीम में, इसलिए शायद मैच नहीं खेल सका, लेकिन सेकंड नंबर पे था वो, और अंडर 19 में 100 करके आया था एक दो। तो वो प्लेयर एक ऐसा है कि शायद उसको जब मौका मिलेगा तो वो भी एक चांस लगता है कि आगे कभी पाकिस्तान को सर्व कर सके, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा उस वक्त तक आपके पास बड़े प्लेयर टीम में है, बाबर आजम है, उससे सीखें कि किस तरह इनिंग बिल्ड करनी है, कैसे अपने आप को लेके चलना है, और दूसरे लड़के इनकी टीम में जो सीनियर हैं उनसे सीखना चाहिए इनको। बिल्कुल आसिफ, आपको सबसे ज़्यादा किसने इम्प्रेस किया अभी तक बैटिंग में PSL में? जी नो डाउट, जैसे नंबर यूसुफ भाई ने बताए हैं तो चल ही रहे हैं और लेके चलते हैं टीम के साथ, मगर ये जो एडिशन हो रहा है ये हो रहा है अब लाहौर और रावलपिंडी में, यहाँ पे वेदर थोड़ा सा चेंज होगा ऑब्वियसली, कि थोड़ी सर्दी ज़्यादा होगी, पिचेस चेंज होंगी। एज ए बॉलर मैं आप बॉलर्स को थोड़ा सा बताऊँ कि पिंडी स्टेडियम में बॉल अच्छा स्विंग होता है और वेदर आपको आपका साथ देता है, थोड़ा सा नमी होती है उसमें, थोड़ा बॉल ज़्यादा स्विंग होता है। तो फरवरी के महीने में इन हम भी जो हमारी डोमेस्टिक चलती थी तो जब भी हम पंजाब में खेलते थे तो गेंद अच्छा स्विंग होता है, और ये इसका जो यंगस्टर है फास्ट बॉलर है उनको फ़ायदा उठाना चाहिए वेदर, क्योंकि कराची में थोड़ा मौसम हार्ड होता था, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ड्यू फैक्टर वहाँ पर कभी नज़र नहीं आया तो इस दफ़ा ज़रूर हुआ है, मगर आप पिचेस चेंज होंगी, ग्राउंड चेंज होगी, क्राउड चेंज होगा, तो ये इन चीजों का कौन फायदा उठाता है कौन नहीं उठाएगा ये थोड़ा सा चैलेंज होगा, और ये चैलेंज आपने एज ए प्लेयर कबूल करना होगा, आपकी होम ग्राउंड पे आप आ गए हैं, पहले आप अवे खेल रहे थे, तो ये चीजें थोड़ी सी फैक्टर जरूर करेंगी। बिल्कुल, वो ये भी हो सकता है कि जो प्लेयर्स अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह टीम्स का खासतौर पर मुल्तान सुल्तान जितना सेट अभी नजर आ रहे हैं सो फार मुल्तान में, तो वेन्यू चेंज होने से कुछ आपको लगता है कि चेंजेस आएंगे, उनकी टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी, बॉलिंग की खास तौर पे जो बात हो रही थी? देखिए डिपेंड सरफेस पे करता है, अगर सरफेस ऐसे ही खेले जैसे इधर खेल रहे हैं फिर तो कोई इतनी खास चेंजेस नहीं आएंगी, कि सरफेस पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बॉल थोड़ा सीम हुआ जैसे आसिफ कह रहे हैं कि पिंडी में थोड़ा सा मौसम जो है लाहौर से भी ज़्यादा ठंडा होता है, 2-3 टेम्परेचर का फ़र्क होता है, लेकिन अगर विकेट ही बिल्कुल फ्लैट हुई जैसे कि हमारे टेस्ट मैच में थी कि पहले दिन ही 500 रन्स बन गए थे, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बैट्समैनों के लिए मज़ा आया। वैसे तो क्रिकेट ये T20 या वनडे क्रिकेट जो है बैट्समैनों के लिए, बॉलर्स आते हैं बेचारे मार खाते हैं वापस चले जाते हैं, जो बहुत स्किलफुल होता है वो कुछ बचता है, वरना उसको भी 30-40 रन्स उसको भी पड़ जाते हैं, 10 रन्स देना तो इन विकेटों पर मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ फिर भी अच्छी बॉलिंग है, जिस तरह की विकेटें होती हैं जिस तरह के चीज़ें चल रही हैं, डिपेंड अगर सीम हुआ वेदर में कुछ नमी हुई तो फिर शायद ऊपर से 6 ओवर्स में कुछ टफ हो इनको, वरना और होना चाहिए ना, मतलब हमारे लिए भी व्यूअर्स के लिए ऑडियंसेस के लिए भी एक इवन कॉन्टेस्ट हो ना बिटवीन बैट एंड बॉल, ये तो नहीं हो सकता, ये होना चाहिए, हो नहीं सकता क्योंकि क्रिकेट बहुत कमर्शलाइज हो गई है, अगर जल्दी टीमें आउट हो गई तो नुकसान बहुत होगा, तो ये हो नहीं सकता, ये प्योर बैट्समैनों के लिए वाइट बॉल क्रिकेट। फिर भी चले वही है कि पाकिस्तान में हमें इतने फास्ट बॉलर्स वैसे ही हर साल नज़र आते हैं इमर्जिंग कैटेगरी से, जो PSL में भी हमें नज़र आते हैं, फिर बाद में इंटरनेशनल लेवल पे भी वो हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, अभी तक बैट्समैन हालांकि PSL के थ्रू हमें सिर्फ एक आधा ही आई थिंक
फ़खर जमान का नाम आता है माइंड में, और उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन पीएसएल ने अभी तक 8 सीज़न हो गए हैं, वी आर येट टू फाइंड समवन, यू नो, स्पेशली जो हमारे नंबर 5-6 का जो बैट्समैन है T20 में भी, वन डेज में भी, वी आर येट टू फाइंड समवन थ्रू पीएसएल बोलर्स, नो डाउट. हमने इस तरह पहले भी बात की कि पाकिस्तान में तो इतनी एक्सेस है फास्ट बोलर्स की, सीम बोलर्स की. स्पिनर्स, नो डाउट शादाब खान एक अच्छी फाइंड थे, नो डाउट कि वो पीएसएल के थ्रू हमारे सामने आए, बट उससे पहले भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है. हसन अली भी है, उनका भी हम यू नो उन प्लेयर्स में नाम सारे खेलते हुए आ रहे हैं फर्स्ट क्लास या कोई क्रिकेट. लेकिन जो आपने कहा ना नंबर 5-6 हम ढूंढ रहे हैं, तो 5-6 तो बारी नहीं मिलती तो वो आएगा कहाँ से? तो आप मुझे बताएं कि प्लेयर बनेगा कहाँ से फिर वो, या तो फिर आप, ये तो प्राइवेट लोग हैं, उनको क्या कहें हम, उनकी अपनी टीम है, मैचेस प्लेयर फिर फर्स्ट क्लास से बने. लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बारियां आनी चाहिए ताकि उस नंबर पे जो हमारा फिनिशर का रोल कोई ना कोई प्ले कर सके. आज़म खान एक माइंड में आए थे नाम, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस अपनी, पूरे दुनिया में उन्होंने लीग्स खेली हैं, अब पीएसएल में भी अच्छा खेल रहे हैं, यूनाइटेड के लिए काफ़ी अच्छा एडिशन है. और खैर ये तो आज तक अभी हमने बात की है पीएसएल की, अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं वी टॉक्ड अबाउट हु आर द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर एंड हु आर द प्लेयर्स वर्थ वॉचिंग सो फार इन पीएसएल. यहाँ पे हम शो को रैप अप करते हैं, हम आपसे मिलेंगे रात को 11 बजे और थोड़ी और डिस्कशन करेंगे अबाउट द सीजन सो फार एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. अल्लाह हाफिज़.